नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़े की ज़रूरत होती है, वो हमें ऐसे ही लेकर चला गया। और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा, मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए। उसके बाद और पैसे मांगने लगा, हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी, या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे, और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती, और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ से Okay, guys. Prince. 1 minute. Two group. Like this, yeah. Okay? Okay. Oh, go. Yes. If we work in two group after 5 meter, two group, hold the distance, keep the distance, okay? Блин, я устал уже переводчиком. Непальцы, вьетнамцы, негры. Ну как-то так. Я должен это записать. Впереди надо взять с собой немного еды, иначе ты будешь голодать. Я целыми днями, в принципе, этим занимаюсь. Я
Я не ел мясо много дней, а теперь развел огонь и сварил мясо. Я забыл, что такое мясо. Не переживай за меня. Вот так и общаются. Я же говорю, весь мир тут за нас. Снега еще нет. Для меня это непривычно. Ладно, давайте. Ну, я должен это записать. Впереди надо взять с собой немного еды, иначе ты будешь голодать. Я целыми днями, в принципе, этим занимаюсь иногда. Я целый день, в принципе, этим занимаюсь. Много дней, а теперь развел огонь и сварил мясо. Я забыл, что такое мясо. Не переживай за меня. Вот так и общаются. Я же говорю, весь мир тут за нас. Снега еще нет. Для меня это непривычно. Ладно, давайте.